आपातकाल की 50वीं बरसी पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियां मिलकर संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। पहले जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया गया संविधान था, उसको इन लोगों ने समय समय पर संशोधित करके खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस की जातिवादी सोच से संविधान को बचाया जाना संभव नहीं है। पूरे देशवासियों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सबकी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं। उनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है। इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अभी संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी समाज का संविधान बना दिया है। इससे काफी हद तक जातिवादी, संप्रदायवादी संविधान बना दिया है। अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कापी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसे ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरूनी मिलीभगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं तो वे सभी राज्य सरकारें वहां के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनसा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधानी बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों का, खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ, यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं।
इसलिए अब संविधान को बचाने के नाम पर वे इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष द्वारा जो जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी राजनीति की जा रही है, तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतई भी लाभ मिलने वाला नहीं है।